हेलो, इस वीडियो में मैं रेडिएशन प्रेशर से रिलेटेड एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ। काफी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। आपके पास एक सॉलिड हेमिस्फीयर है, लेट से उसकी कर्व्ड सरफेस पे कुछ पैरेलल रेज आ रही हैं ईएम रेडिएशन की, और ये पैरेलल रेज आपको दिख रही हैं पूरी कर्व्ड सरफेस पे, वो इसके ऊपर इंसिडेंट है इस तरीके से जो आपको दिखाई दे रहा है डायग्राम में। अब आपको ये भी गिवन है कि इंटेंसिटी ईएम वेव्स की है आई, स्पीड ऑफ ईएम वेव्स ले सकते हैं सी जो कि वैक्यूम में होता है, और रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट है इस सरफेस के लिए आर। तो आपको बताना है कि टोटल रेडिएशन प्रेशर इस केस में कितना आएगा। अब यहाँ पे देखो, ये जो क्वेश्चन है मैं काफी स्लोली सॉल्व करने वाला हूँ। इस क्वेश्चन को डिस्कस करने का मेन पर्पस इस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ कैलकुलेट करना नहीं है, कुछ कंसेप्चुअल मिस्टेक्स जो बच्चे करते हैं या फिर हेमिस्फीयर पे आप कैलकुलस की कुछ अप्रोच कैसे यूज करें उनको हाईलाइट करना है, ठीक है? तो उन पे जरा ध्यान दीजिएगा। आंसर आई एम श्योर आप लोगों को टाइम दिया जाए ज्यादातर लोग निकाल लेंगे। तो पहला मिस्टेक यहाँ पे क्या करते हैं बच्चे, देखिए पहला मिस्टेक ये है कि जैसे ही वो देखते हैं कि इंटेंसिटी है आई और रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट है आर, तो इमीडिएटली वो लिखना चाहते हैं कि रेडिएशन प्रेशर होना चाहिए आई बाय सी इंटू वन प्लस आर। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट मिस्टेक होगी क्योंकि उन्होंने रट्टा मारा होता है आई बाय सी इंटू वन प्लस आर। लेकिन ये क्यों गलत है? दिस इज रॉन्ग, क्योंकि ये जो रिजल्ट हमने डिराइव किया था ये तभी वैलिड होता है जबकि आपका नॉर्मल इंसिडेंस हो और अ प्लेन सरफेस। दिस इज वैलिड ओनली फॉर नॉर्मल इंसिडेंस और अ प्लेन सरफेस। उसी केस में मैंने ये रिजल्ट डिराइव किया था। अब यहाँ पे हमारी ईएम वेव जो फॉल कर रही है वो कर्व सरफेस से फॉल कर रही है, तो पहली बात तो प्लेन सरफेस नहीं है, दूसरी बात हर पॉइंट पे आप देखेंगे तो नॉर्मल इंसिडेंस भी नहीं होगा क्योंकि जैसे ये वाले रे को आप अगर एक्सटेंड करें तो अब नॉर्मल तो यहाँ से सेंटर से ज्वाइन करके आता है, ये आपका नॉर्मल डायरेक्शन है, ठीक है? लेकिन तुम देख रहे हो कि जो इंसिडेंट वेव है, जो इंसिडेंट रे आपकी ईएम वेव के लिए, वो नॉर्मल डायरेक्शन में नहीं आ रही है, नॉर्मल के साथ कुछ एंगल बना रही है। तो ना ही नॉर्मल इंसिडेंस है हर पॉइंट पे, ना ही प्लेन सर्फेस। ये हो गया फर्स्ट मिस्टेक। अब तो यहाँ से बच्चे समझ जाते हैं कि ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग पॉइंट्स पे आप देखेंगे तो नॉर्मल के साथ एंगल, वे जो रेज आपकी फॉल कर रही है नॉर्मल के साथ एंगल जो है सबका डिफरेंट आएगा, तो इसलिए कुछ ना कुछ एक एलिमेंट हमें कंसिडर करना होगा। तो मतलब मैं बोल रहा हूँ ऐसे आपका कर्व्ड सरफेस है, ऊपर वाले पॉइंट पे आप देखेंगे या फिर इस वाले पॉइंट पे देखें या फिर कोई और पॉइंट पे देखें, तो इन पॉइंट्स पे नॉर्मल तो आपका आता है सेंटर से ज्वाइन करके, तो सबसे ऊपर वाले पॉइंट पे आप देख रहे हैं कि नॉर्मल के साथ आपका इंसिडेंस एंगल जो है 0 डिग्री आ रहा है, नॉर्मल की डायरेक्शन में आ रहा है, रेडियस की डायरेक्शन में। जबकि थोड़ा सा आगे जाएंगे तो अल्फा, थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो बीटा, ये आपके जो एंगल्स हैं ये इंसिडेंस एंगल आने वाले हैं। जैसे जैसे कर्व सरफेस पे नीचे आओगे एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है इंक्रीज करेगा। तो यहाँ से पहली चीज ये है कि बच्चे समझ जाते हैं कि अपने को कोई ना कोई एलिमेंट लेना पड़ेगा इस कर्व्ड सरफेस पे, और उस एलिमेंट पे पहले रेडिएशन प्रेशर निकाल के हमें इंटीग्रेशन करना चाहिए। तो हेमिस्फेरिकल सरफेस, कर्व्ड सरफेस पे अगर आपको एलिमेंट लेना हो तो आई एम श्योर आप लोगों को पता होगा कैसे लेते हैं एलिमेंट। मैं यहाँ पे फिर से ये हेमिस्फेरिकल सरफेस ड्रॉ कर रहा हूँ। हम लोग क्या करते हैं कि एक रेडियस थीटा पे एक सॉरी एक एंगल थीटा पे रेडियस कंसिडर कर लेते हैं। दिस इज दैट एंगल थीटा विद वर्टिकल, वर्टिकल के साथ एंगल थीटा पे मैंने एक रेडियस ड्रॉ कर लिया, और इसको थोड़ा सा और रोटेशन देते हैं डी थीटा, ठीक है? अब ये दो लाइंस हो गई आपकी आसपास, इन दोनों लाइंस को अब मैं पूरे हेमिस्फेयर की सरफेस पे ऐसे रोटेट कर दूंगा तो एक रिंग एलिमेंट हमारे पास आ जाएगा, ठीक है? तो ऐसा इंटीग्रेशन आप पहले भी कर चुके होंगे सेंटर मास चैप्टर में या उसके बाद भी, तो ये एक रिंग एलिमेंट आपके पास आ जाएगा, ये रिंग एलिमेंट है।
इस एलिमेंट को मैं कंसिडर करता हूँ, ठीक है। पहली चीज तुम नोटिस करोगे कि ये जो रिंग एलिमेंट है इसका रेडियस अगर मैं ले लूं लेट से स्मॉल आर, मेरे हेमिस्फेयर का रेडियस है लेट से कैपिटल आर, तो स्मॉल आर और कैपिटल आर में रिलेशन है। यहाँ पे आप देखेंगे एक राइट ट्राइंगल है, कैपिटल आर स्मॉल आर और ये एंगल आपका थीटा। तो ऐसे तुम्हें दिखाई दे रहा होगा कि स्मॉल आर का वैल्यू है ट्रिग्नोमेट्री से कैपिटल आर इंटू साइन थीटा, फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज हमें ये भी पता है कि ये जो सर्कुलर आर्क है, यहाँ पे सर्कुलर आर्क जो सरफेस पे बन रहा है उसका लेंथ है एंगल इंटू रेडियस यानी आर इंटू डी थीटा। तो ये आपकी हो जाएगी थिकनेस इस रिंग की, आर डी थीटा इस रिंग की आ जाएगी थिकनेस। अगर ये इसकी थिकनेस आ गई और इसका रेडियस भी हमें पता लग गया, तो इसके कारण जो ये सरफेस एरिया आ रहा होगा इस हेमिस्फीयर पे, ये जो मैंने शेड किया है पूरा, ये सरफेस एरिया आप निकाल सकते हैं। उस सरफेस एरिया को मैं लिख रहा हूँ डी ए। तो अब एक अगर पतला सा रिंग आपका होता है तो उसका सरफेस एरिया आप लोग पहले भी निकाल चुके होंगे, हम कैसे करते हैं, सर्कमफेरेंस इंटू थिकनेस, सर्कमफेरेंस इंटू थिकनेस। सर्कमफेरेंस अपने को पता है 2π इंटू रेडियस आ जाएगा, ठीक है। तो सर्कमफेरेंस आ जाएगा आपका 2π स्मॉल r, जबकि थिकनेस यहाँ पे r d थीटा, स्मॉल r की वैल्यू उठा लो ऊपर से r साइन थीटा, तो देखेंगे आ जाएगा 2π कैपिटल r स्क्वायर साइन थीटा इंटू डी थीटा। ये इसका एरिया आ गया इस एलिमेंट। अब ठीक है, यहां तक तो जो है बच्चे ठीक कर लेते हैं। अब इसके नेक्स्ट स्टेप में लोग जो है मिस्टेक करते हैं, बिकॉज ये एरिया हमने क्यों निकाला, क्योंकि इंटेंसिटी आपको पता है, तो मैं क्या निकाल सकता हूँ, कुछ टाइम डेल्टा टी में कितना मोमेंटम वेव का इस एलिमेंट के ऊपर फॉल किया होगा। तो जितना मोमेंटम फॉल किया होगा उससे हम ये भी निकाल सकते हैं फिर रिफ्लेक्ट कितना किया होगा, फोर्स कितना लगा होगा, प्रेशर कितना लगा होगा। तो कैसे निकालते हैं मोमेंटम, हम क्या बोलेंगे कि भाई इंटेंसिटी बाय एरिया, सॉरी पावर बाय एरिया, पावर बाय एरिया आपका होता है इंटेंसिटी, पावर होता है एनर्जी बाय टाइम, तो एनर्जी बाय टाइम इनटू एरिया, ये होता है इंटेंसिटी। और एनर्जी और मोमेंटम में हमें रिलेशन पता है ना, मोमेंटम ईएम वेव्स में होता है एनर्जी डिवाइड बाय सी, या फिर एनर्जी होता है सी इंटू पी। तो एनर्जी को मैं लिख सकता हूँ सी, एक टाइम डेल्टा टी में अगर बात करें तो सी इंटू, लेट्स से एक टाइम डेल्टा टी में एनर्जी आपकी आ रही है यू, मोमेंटम आ रहा है पी, तो एनर्जी के मैं जगह मैं लिख देता हूँ सी इंटू, एक टाइम डेल्टा टी में चलो इसको डेल्टा यू और डेल्टा पी लिख देते हैं, डेल्टा यू इक्वल टू सी इंटू डेल्टा पी, ठीक है। कुछ एक टाइम डेल्टा टी की मैं बात कर रहा हूँ, एक्सक्यूज मी आई वॉन्ट टू राइट डेल्टा, तो यहाँ पे एनर्जी को मैं लिख देता हूँ सी डेल्टा पी, टाइम को लिख देते हैं डेल्टा टी, एरिया आपका है दिस इज इक्वल टू आई। तो यहां से आप चाहे तो मोमेंटम निकाल सकते हैं, मोमेंटम आता है एरिया इंटू इंटेंसिटी डिवाइड बाय सी इंटू डेल्टा टी, ये आपका मोमेंटम आ जाता है। अब यहाँ पे मिस्टेक क्या करते हैं बच्चे कि ये जो एरिया है ना, ये एरिया गलत ले लेते हैं। कैसे गलत ले लेते हैं, देखो आपको डीए मैंने निकाला इस एलिमेंट का, बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं कि डीए की वैल्यू ही यहाँ पे यूज कर देते हैं, दिस इज द सेकंड मिस्टेक। यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर आपने इस एलिमेंट के ऊपर मोमेंटम जो आ रहा है, इंसिडेंट हो रहा है टाइम डेल्टा टी में, उसकी वैल्यू को लिख दिया डी ए इंटू आई बाय सी इंटू डेल्टा टी, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, बिकॉज रियलाइज करो कि जब आप बोलते हैं इंटेंसिटी इक्वल टू पावर बाय एरिया, ये जो एरिया है ना इसका एक स्पेसिफिक मीनिंग है। क्या मीनिंग है, जिस डायरेक्शन में आपकी वेव्स ट्रैवल कर रही हैं, या रेज अगर आप बोलना चाहें इस केस में, जिस डायरेक्शन में आपकी रेज है लाइट की ईएम वेव्स की, या फिर जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपगेट कर रही है, उसके नॉर्मल एरिया लेना होता है, यानी कि जो सरफेस आप लेंगे उसके नॉर्मल होनी चाहिए, ठीक है। वही एरिया यहाँ पे लेते हैं, तो ये जो एरिया है दिस इज नॉर्मल टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, ठीक है।
कोई भी एरिया नहीं ले लेंगे, वहां से इंटेंसिटी आती है। और अगर आप पावर निकालना चाहें एरिया को इधर मल्टीप्लाई करके, तो वो नॉर्मल एरिया से मल्टीप्लाई होके ही आएगा। पहले सोच के देखो, अगर ऐसा मैं एक सरफेस बना दूं इधर जो कि नॉर्मल नहीं है, ठीक है, आपके पास एक है यहाँ पे सरफेस वन जो कि नॉर्मल थी, फिर मैं एक दिखा रहा हूं सरफेस टू जो कि नॉर्मल नहीं है, तो आप सोच के देखिए दोनों के ऊपर जो वेव्स आ रही हैं या रेज आ रही है उनका अमाउंट तो सेम ही है, तो दोनों के ऊपर टोटल पावर तो सेम ही आनी चाहिए या टोटल एनर्जी भी सेम ही आनी चाहिए, लेकिन एरिया तो ऑब्वियसली टू का ज्यादा है, एरिया ऑफ टू इज मोर देन एरिया ऑफ वन, क्योंकि वैसे स्लैंटेड है ना, उसकी डायमेंशन बड़ी हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ से अगर तुम पावर को कैलकुलेट करो और पावर टू कर दो आपका इंटेंसिटी इंटू एरिया टू, जबकि पावर वन कर दो इंटेंसिटी इंटू एरिया वन, नहीं ये गलत हो जाएगा, ठीक है। पावर टू जो है वो आपने गलत कर दिया, क्योंकि एरिया टू आपका नॉर्मल नहीं है। आपको अगर इस इंटेंसिटी वाली इक्वेशन को यूज करना है तो किसी भी सरफेस का नॉर्मल प्रोजेक्शन लेना पड़ता है, यानी वो वाला प्रोजेक्शन लेना पड़ता है जो कि ईएम वेव्स के, या इस केस में अगर मैं लाइट रेज बोलना चाहूँ, लाइट रेज या ईएम वेव की डायरेक्शन के नॉर्मल हो। तो ये आपका नॉर्मल प्रोजेक्शन जब लेंगे ना, उसका एरिया आपको कंसिडर करना चाहिए। तो यही हमें यहाँ पे भी करना पड़ेगा। अगर आपको यहाँ पे एरिया लिखना है इस एलिमेंट के लिए, तो वो एरिया लिखना पड़ेगा जो डायरेक्शन ऑफ ईएम वेव्स है उसके नॉर्मल डायरेक्शन का प्रोजेक्शन है, ठीक है। तो क्योंकि आपका ईएम वेव्स तो आ रही थी वर्टिकल डायरेक्शन में, ऐसे वर्टिकली फॉल कर रही है, तो वर्टिकली अगर आ रही है तो हमें कौन सा प्रोजेक्शन लेना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल। सारे जो एरिया एलिमेंट्स है उनका हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन आपको लेना है, उससे आप निकाल पाएंगे मोमेंटम या फिर एनर्जी या फिर पावर की वैल्यू, अगर आप इंटेंसिटी इक्वेशन यूज करना चाहते हैं। अच्छा, अब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन कितना आने वाला है उसको भी निकालने के दो तरीके हैं, इसको भी आराम से डिस्कस करते हैं कैसे निकालें हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन निकालने के, मतलब सरफेस का हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में निकालूंगा, दो तरीके हैं। देखो फर्स्ट मेथड यहाँ पे यूज करते हैं। फर्स्ट मेथड आप एरिया एज ए वेक्टर का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, क्योंकि एरिया को आप एक वेक्टर क्वांटिटी मान सकते हैं। इससे पहले आपने फ्लक्स में देखा होगा, अगर एरिया को वेक्टर क्वांटिटी मानते हैं तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन नॉर्मल की डायरेक्शन में होती है। तो ये हमारा जो एलिमेंट था, कहीं पे भी आप देखें तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा ना वो ऐसे नॉर्मल डायरेक्शन, ठीक है, इसको मैं बोलता हूँ डी ए वेक्टर, नॉर्मल डायरेक्शन में हमने ले लिया, ये वर्टिकल के साथ थीटा एंगल पे। अब क्योंकि मेरी ईएम वेव्स फॉल कर रही हैं वर्टिकली ऐसे, तो मुझे ये जो यहाँ पे एरिया एलिमेंट है इसका हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन लेना है, यानी कि देखो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन लो, यानी ऐसा सोचो ऊपर से जो लाइट फॉल कर रही है नीचे हॉरिजॉन्टल जो ग्राउंड है उस पर उसकी शेडो जो बनेगी, ठीक है, वो आपका हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन हुआ। तो ऐसे आपका हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन बनने वाला है। इसको मैं थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए थोड़ा बड़ा करके ड्रॉ करता हूँ, थोड़ा सा थिकनेस जो है उसकी ज्यादा दिखा देते हैं ताकि आपको एकदम क्लियरली दिखाई दे जाए। ये हमारा एलिमेंट था, बोला था इसका एरिया वेक्टर नॉर्मल डायरेक्शन में था, ठीक है, तो ये इस डायरेक्शन में आपका एरिया वेक्टर है नॉर्मल डायरेक्शन। अब ईएम वेव्स आपकी फॉल कर रही हैं वर्टिकली, तो हम क्या बोल रहे हैं, इस एरिया एलिमेंट का हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन लीजिए। मतलब कि ये देखिए, ये यहाँ पे ज्वाइन कर दिया हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे, एक तरह से आप इमेजिन करें कि इसका क्या शेडो बनेगा इस रिंग का, वो मैं यहाँ पे शेड कर रहा हूँ, ठीक है। एक ऐसे रिंग आएगी ग्राउंड पे या फिर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में भी आपकी एक रिंग आने वाली है, तो ये एरिया मुझे निकालना है। तो आप वेक्टर का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो, बिकॉज क्योंकि ये एंगल आपका थीटा है वर्टिकल के साथ, यहाँ पे ये एंगल आपका थीटा है। अब अगर आपकी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन लें तो वो सरफेस क्योंकि उसके हॉरिजॉन्टल है,
तो उसका जो एरिया वेक्टर आएगा वो वर्टिकल डायरेक्शन में आएगा, यानी उसको मैं बोलता हूँ डी ए वी, वर्टिकल डायरेक्शन में, इसलिए डी ए वी लिख रहा हूँ। तो वर्टिकल डायरेक्शन में कितना प्रोजेक्शन आने वाला है, बड़ा सिंपल है, क्योंकि ये जो डी ए वेक्टर है उसका एंगल वर्टिकल के साथ थीटा है। हम जानते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में कॉम्पोनेंट फिर कैसे निकलेगा, वर्टिकल डायरेक्शन में आपका कॉम्पोनेंट होना चाहिए डी ए कॉस थीटा, और यही यहाँ पे आपके यहाँ पे डी ए वी हो जाएगा। तो डी ए वी यानी एरिया वेक्टर का वर्टिकल प्रोजेक्शन, अगर एरिया वेक्टर का वर्टिकल प्रोजेक्शन ले रहे हैं तो सरफेस जो है वो हॉरिजॉन्टल होगी, बिकॉज याद रखिए एरिया वेक्टर और सरफेस आपस में नॉर्मल होते हैं। तो ऐसा मत सोचिएगा कि हमने सरफेस का वर्टिकल प्रोजेक्शन लिया, सरफेस का तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन लिया, सॉरी सरफेस का तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन लिया है, एरिया वेक्टर का वर्टिकल प्रोजेक्शन लिया है, बिकॉज एरिया वेक्टर और सरफेस आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो डी ए वी इज डी ए कॉस थीटा, ठीक है। ये एरिया को हमें यूज करना पड़ेगा अगर हम इंटेंसिटी की इक्वेशन से इंसिडेंट मोमेंटम कैलकुलेट करना चाहते हैं। ये देखो फर्स्ट मेथड हुआ, एक और मेथड भी है जो कि डायग्राम से शायद आपको समझ में आ रहा हो। दूसरा मेथड क्या, देखिए हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन जो अपने को दिख रहा है उससे थोड़ा डायरेक्टली इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। ये था आपका सिचुएशन, मैंने इसका हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन लिया, तो ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन लिया यहाँ पे, ठीक है। ये अब रिंग जो बनी ग्राउंड पे, इसका मैं एरिया कैलकुलेट करना चाहता हूँ। कैसे कैलकुलेट करूंगा, मैं बोलूंगा कि ये जो ग्राउंड पे आपने रिंग बनाई ना, इसका रेडियस मान लेते हैं एक्स, जो कि आप रियलाइज करेंगे ऊपर जो रिंग थी ना उसके रेडियस के इक्वली आएगा, मतलब कि एक्स की वैल्यू भी जो स्मॉल आर था हमारा, ये आपका स्मॉल आर है, वो भी एक्स के इक्वली है। और आपको याद होगा स्मॉल आर की वैल्यू मैं ऊपर आपको दिखा चुका हूँ, रिंग के रेडियस की वैल्यू मैं आपको ऊपर दिखा चुका हूँ, कैपिटल आर साइन थीटा आ रहा है अगर थीटा आप वर्टिकल के साथ ले रहे हैं। तो एक्स की वैल्यू भी यहाँ पे कैपिटल आर साइन थीटा के इक्वल ही है। अब ये क्योंकि सरफेस आपकी पूरी की पूरी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में ही है, तो ये जो इसका चेंज हुआ ना, जो थिकनेस आया उसको मैं डी एक्स ही बोल सकता हूँ, चेंज इन एक्स है। तो यानी इसकी जो थिकनेस होगी रिंग की वो की डी एक्स। तो एक्स क्योंकि आपका था आर साइन थीटा, इसको डिफ्रेंशिएट करो तो देखो आर डी एक्स की वैल्यू आएगी आर कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है ना, साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन कॉस थीटा डी थीटा। इसका मतलब जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है उसका एरिया कितना आने वाला है, एरिया ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन अगर मैं लिखूं तो वो होगा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, वो आपका होगा जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन का रिंग का रेडियस है उससे सर्कमफेरेंस निकाल लेंगे, सर्कमफेरेंस है 2 पाई एक्स, और जो उसका थिकनेस है दैट इज डी एक्स। अब एक्स और डी एक्स की वैल्यू डालो, 2 पाई एक्स, एक्स था आपका आर साइन थीटा, कैपिटल आर साइन थीटा, और डी एक्स कितना था, डी एक्स था आपका कैपिटल आर कॉस थीटा डी थीटा, तो ये कैपिटल आर कॉस थीटा डी थीटा। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा, कॉस थीटा मैं अलग से लिख रहा हूँ, इसलिए लिख रहा हूँ बिकॉज आप रियलाइज करेंगे ये जो ब्रैकेट में है ना, ये आपका ऊपर जो कर्व सरफेस पे रिंग थी उसका एरिया डी ए है। अभी हमने जो पहले डिराइव किया था कर्व सरफेस वाले एलिमेंट का जो एरिया था, आप देखेंगे 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा ही था, ये क्योंकि डीए है, तो इसलिए आप यहां से भी देख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन का जो एरिया आ रहा है वो डीए कॉस थीटा आ रहा है, ठीक है। तो दो तरीके से मैंने निकाल दिया इसको, एक एरिया का वेक्टर वाला कॉन्सेप्ट यूज करके, दूसरा जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन पे डायरेक्टली हमने बोल दिया सर्कमफेरेंस इनटू थिकनेस, बस जो थिकनेस थी इस बार वो डीएक्स से आ गई। इन एनी केस दोनों तरीके से हमारा एरिया जो है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन का डी ए कॉस थीटा आ चुका है। अगर ये आ चुका है अब हमारा काम जो है थोड़ा सा सिंपल हो चुका है। अब मैं निकालूंगा कि मोमेंटम कितना मेरा यहाँ पे आएगा एक टाइम डेल्टा टी में, ये आपकी मोमेंटम की इक्वेशन थी तो इसको यूज करते हैं। तो मैं बोलूंगा एक टाइम डेल्टा टी में इंसिडेंट मोमेंटम जो होगा उसको अब हम लिख सकते हैं इंसिडेंट मोमेंटम इन टाइम डेल्टा टी को लिख देते हैं,
अगेन एक बार और मैं बोलना चाह रहा हूँ कि मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये ऐसा क्वेश्चन जेई में आ जाए पूरा का पूरा, बिकॉज इट टेक्स टू लॉन्ग, बट फिर भी जेई एडवांस में इसका कुछ पार्ट आ सकता है, या फिर इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज किए हैं वो अलग अलग पार्ट्स में आप अगर नोटिस करें तो डिफरेंट क्वेश्चन में यूज हो सकते हैं डेफिनेटली। तो इवन अगर पूरा क्वेश्चन नहीं भी आएगा, यहाँ से जो हम सॉल्व करने में टेक्निक्स लगा रहे हैं, जो कंसेप्चुअल चीजें हैं उनको नोटिस कर ली। इन एनी केस डेल्टा पी मैं बोलना था आपको आने वाला है आई बाय सी इंटू एरिया इंटू डेल्टा टी, ये आपका डेल्टा पी आने वाला था, है ना, यही हमने निकाला था यहाँ पे, ठीक है। तो अब एरिया की वैल्यू मैं क्या यूज करने वाला हूँ, जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के लिए हमने निकाला डी ए कॉस थीटा, हो जाएगा आई बाय सी इंटू डी ए कॉस थीटा इंटू डेल्टा टी, ये मेरी डेल्टा पी की वैल्यू आ गई है। इसका मैं बोलता हूँ फर्स्ट इक्वेशन। ओके, अब ये तो इंसिडेंट मोमेंटम हुआ, फिर कुछ मोमेंटम रिफ्लेक्ट भी होगा और हमें रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट भी गिवन है। तो मैं जानता हूं कि कोई भी एलिमेंट जो आपने ऐसा लिया था उसका अगर नॉर्मल का एंगल था वर्टिकल के साथ थीटा, या आपका नॉर्मल यहाँ पे जा रहा है जो रेडियस वाली लाइन है ना, वो ही आपकी नॉर्मल वाली लाइन है, तो इंसिडेंट आपकी रेज अगर इस तरीके से आ रही है एंगल थीटा पे, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से अपने को पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ऐसे ही रिफ्लेक्ट होने वाली है नॉर्मल के साथ एंगल थीटा पे ही, ये आपकी रिफ्लेक्टेड होगी, इधर ये इंसिडेंट थी। और अगर इंसिडेंट में हमारा मोमेंटम था डेल्टा पी, तो रिफ्लेक्टेड में हमारा मोमेंटम कितना होगा आर इंटू डेल्टा। अब मैं टोटल चेंज इन मोमेंटम निकालने वाला हूं। अच्छा, ये एंगल जो है नॉर्मल के साथ थीटा है। एक चीज इसमें नोटिस करो कि जो रिफ्लेक्टेड मोमेंटम है, मैंने आपको यहाँ पे एक पॉइंट पे दिखाई दिया, बट ऐसे एक्चुअली तो पूरा कर्व्ड सरफेस पे हर जगह से रिफ्लेक्शन हो रहा होगा, तो हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट जो है ना रिफ्लेक्टेड मोमेंटम के, वो डेफिनेटली कैंसिल हो रहे होंगे, बिकॉज अगर जैसे यहीं पे टू डायमेंशनल स्क्रीन पे भी अगर मैं तुम्हें दिखाना चाहूँ तो आप देखेंगे दूसरी साइड भी एक ऐसा ही एलिमेंट होगा, उसमें भी रिफ्लेक्टेड मोमेंटम आएगा। मतलब कि रिफ्लेक्टेड मोमेंटम के जो हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट्स है वो डेफिनेटली आपके कैंसिल हो जाएंगे। तो रिफ्लेक्टेड मोमेंटम की आपको केवल डिस्कस कंसिडर कर रहे हैं वर्टिकल कॉम्पोनेंट्स, और वर्टिकल के साथ रिफ्लेक्टेड मोमेंटम का एंगल कितना है, यहाँ पे देखो ये थीटा थीटा, टोटल वर्टिकल के साथ एंगल आपका टू थीटा। यानी कि हमने क्या कंक्लूड किया, इंसिडेंट मोमेंटम अगर आपका है डेल्टा पी, रिफ्लेक्टेड मोमेंटम है आर डेल्टा पी, और रिफ्लेक्टेड मोमेंटम का एंगल वर्टिकल के साथ है टू थीटा, तो वर्टिकल कॉम्पोनेंट कितना आएगा उसका वो मैं निकाल सकता हूँ। रिफ्लेक्टेड मोमेंटम का वर्टिकल कॉम्पोनेंट आपके पास आने वाला है आर डेल्टा पी कॉस ऑफ टू थीटा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज सारे पॉइंट अगर कंसिडर करेंगे तो हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट तो कैंसिल हो जाएंगे। तो इंसिडेंट है डाउनवर्ड्स डेल्टा पी, रिफ्लेक्टेड है अपवर्ड्स आर डेल्टा पी कॉस टू थीटा। तो चेंज इन मोमेंटम कितना आया, कुछ टाइम डेल्टा टी में अगर मैं देखूं तो चेंज इन मोमेंटम मेरा कितना आ रहा है, चेंज इन मोमेंटम होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो अपवर्ड डायरेक्शन को मैं बोल रहा हूँ पॉजिटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन को ले लेते हैं नेगेटिव। इसका मतलब चेंज इन मोमेंटम में फाइनल मोमेंटम है आपका आर डेल्टा पी कॉस टू थीटा, माइनस इनिशियल मोमेंटम होगा माइनस डेल्टा पी। तो आप देखेंगे ये जाएगा डेल्टा पी इन टू 1 प्लस आर कॉस टू थीटा, ये आपका चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा। अच्छा, अब इसमें डेल्टा पी की वैल्यू डाल देते हैं। डेल्टा पी की वैल्यू क्या थी, देखो ऊपर हमने डिराइव की थी, इसको डाल देते हैं। इसको आप डालेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे क्या था, आई बाय सी इंटू डी ए कॉस थीटा, आई बाय सी इंटू डी ए कॉस थीटा डेल्टा टी मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आर कॉस टू थीटा, ये मेरा आ गया चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम को अगर मैं टाइम से डिवाइड कर दूं, टाइम ड्यूरेशन से, तो फोर्स आ जाती है, यानी फोर्स जो लग रही होगी वो होगी चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम टेकन, यानी डिवाइड बाय डेल्टा टी। और देखोगे अगर तुम डेल्टा टी से डिवाइड कर रहे हो तो ये वाला टर्म जो आपका कैंसिल हो जाने वाला है,
तो डेल्टा टी से डिवाइड करने के बाद आपका बच जाएगा आई बाय सी इंटू डी ए कॉस थीटा इंटू वन प्लस आर कॉस टू थीटा, ये आपका आ गया। ओके, अब इसमें एक और चीज हम डिस्कस कर सकते हैं, ये आपकी फोर्स हो गई, ठीक है। तो अगर अब डीए की वैल्यू मैं डाल दू तो मैं टोटल फोर्स डाल सकता हूं, देखते हैं टोटल फोर्स कितनी आ रही है। डीए की वैल्यू हमने कितनी डाली थी, देखिए डीए की वैल्यू मैं पहले डिराइव कर चुका हूं आपके लिए, जो एलिमेंट हमने कंसिडर किया है उसका टोटल एरिया हम पहले निकाल चुके थे। जी हाँ, ये यहाँ पे है, डीए की वैल्यू है 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा। तो इसको अगर हम डालें तो ये कितना आता है, देखिए हम बोलेंगे फोर्स इक्वल्स आई बाय सी, डीए की वैल्यू डालते हैं 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा इंटू कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आर कॉस 2 थीटा। या अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है ताकि टोटल फोर्स आ जाए। इंटीग्रेट करने से पहले एक सिंप्लीफिकेशन इसमें और कर लेते हैं। ये देखो 2 साइन थीटा कॉस थीटा है, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा आप लोग जानते हैं साइन ऑफ 2 थीटा होता है, ठीक है। तो ये सिंप्लीफिकेशन इसमें और कर देते हैं इंटीग्रेशन करने से पहले, यानी कि एफ की वैल्यू होगी आई पाई आर स्क्वायर बाय सी मल्टीप्लाइड बाय साइन टू थीटा डी थीटा इंटू वन प्लस आर कॉस टू थीटा, ये हमारा एफ आ गया। अच्छा, ये अगर हमारा एफ आ चुका है तो ये तो हमारा, अच्छा एक्चुअली ये एक एलिमेंट पे मैंने फोर्स निकाला था तो इसको मैं डी एफ लिख देता हूं, क्योंकि एक एलिमेंट के लिए फोर्स है। टोटल फोर्स के लिए अभी हमें इंटीग्रेशन करना है। अब इसको मैं इंटीग्रेट कर दूंगा पूरी कर्व्ड सरफेस पे, तो टोटल फोर्स अब है। अच्छा, इंटीग्रेशन करने के लिए आपको डिसाइड करने हैं कि लिमिट्स क्या होने चाहिए, तो लिमिट्स आप इजीली डिसाइड कर सकते हैं, बिकॉज ये एंगल थीटा हमने लिया था वर्टिकल के साथ और एंगल थीटा पे आपने एक ऐसा रिंग लिया हुआ है, ठीक है। ये हमारा एलिमेंट है जिसपे हमने फोर्स निकाला है। तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं पूरा कर्व्ड सरफेस कवर करना चाहूं तो थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, यहाँ जीरो से लेके आप जाएंगे 90 डिग्री तक, या फिर जीरो से लेके पाई बाय टू तक। नोटिस करो कि आपको माइनस पाई बाय टू से स्टार्ट नहीं करना है, इधर से स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज जब आप एक रिंग एलिमेंट ले रहे हैं यहाँ पे, जब मैं एंगल डिसाइड आपको शो कर रहा हूँ तो पूरा रिंग एलिमेंट जो है थ्रू आउट पूरा कर्व्ड सरफेस पे एलिमेंट्स को कंसिडर कर रहा है, तो दूसरी साइड वाले एलिमेंट्स ऑलरेडी इंक्लूडेड है। ऐसा मत सोचना कि माइनस 90 से 90 जाने की जरूरत। ओके, तो 0 से लेके 90 या फिर 0 से लेके पाई बाय 2 रेडियन आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा टोटल फोर्स निकालने के लिए। तो टोटल फोर्स मेरा यहाँ पे आ जाएगा आई इंटू पाई आर स्क्वायर बाय सी जो ऊपर था। अब ये साइन टू थीटा डी थीटा इसको मैं आगे मल्टीप्लाई करने वाला हूँ, तो दो टर्म्स है आपकी, एक तो 1 से मल्टीप्लाई होगा इंटीग्रेशन में, एक तो आएगा साइन टू थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन, और एक आपका आर कॉस टू थीटा से मल्टीप्लाई होने वाला है। दूसरा टर्म आपका आ रहा है आर साइन टू थीटा इंटू कॉस टू थीटा डी थीटा, और ये इंटीग्रेशन हमारा जीरो से लेके पाई बाय टू। अच्छा, अब इसमें एक और चीज ये है कि ये जो सेकेंड टर्म थी आपकी साइन टू थीटा कॉस टू थीटा, इसको भी और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बिकॉज हम जानते हैं साइन टू थीटा कॉस टू थीटा इसको लिखा जा सकता है साइन ऑफ 4 थीटा डिवाइड बाय 2। तो अगर इसको साइन ऑफ 4 थीटा डिवाइड बाय 2 लिख दें तो फोर्स आपकी आ जाएगी आई पाई आर स्क्वायर बाय सी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाय 2 साइन ऑफ 2 थीटा फर्स्ट टर्म इंटू डी थीटा प्लस सेकेंड टर्म आपका हो जाएगा स्मॉल आर बाय 4 सॉरी नॉट स्मॉल आर बाय 4 स्मॉल आर बाय 2 इंटू साइन ऑफ 4 थीटा डी थीटा। अब इंटीग्रेशन करते हैं। देखो फर्स्ट अगर हम देखें फर्स्ट टर्म यहाँ पे ये वाला, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, देखो इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू थीटा डी थीटा जीरो से पाई बाय टू, इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू थीटा होता है माइनस कॉस टू थीटा बाय टू, तो जाएगा माइनस कॉस टू थीटा बाय टू, और आपको लिमिट्स लगाने जीरो से पाई बाय टू तक।
आप लिमिट्स लगा के वेरीफाई कर सकते हैं, आपके पास आ जाएगा 2/2 यानी कि 1, ये टर्म का इंटीग्रेशन 1 आने वाला है। जबकि जो सेकेंड टर्म आपकी साइन 4 थीटा वाली, सेकेंड टर्म साइन 4 थीटा वाली है, तो सेकेंड टर्म में जब आप इंटीग्रेशन करेंगे ना साइन 4 थीटा डी थीटा, तो उसका इंटीग्रेशन होगा माइनस साइन 4 थीटा 0 से पाई बाय 2, सॉरी माइनस साइन 4 थीटा नहीं, मेरा मतलब है माइनस कॉस 4 थीटा, माइनस कॉस 4 थीटा 0 से पाई बाय 2 डिवाइड बाय 4। लेकिन इसमें लिमिट्स लगाओगे तो देखो पाई बाय 2 को 4 से अगर मल्टीप्लाई करें तो 2 पाई आ जाता है, तो अपर लिमिट में या कॉस के अंदर 2 पाई होगा, लोअर लिमिट में 0 होगा, लेकिन कॉस 2 पाई और कॉस 0 तो सेम ही होते हैं, 1 के इक्वल होते हैं। तो जब माइनस करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ओवरऑल यहाँ पे 0 आ जाने वाला। ये इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे देख रहे हैं ये जो टर्म आपकी रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई हो रही थी ना वो 0 हो जा रही है, यानी रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट चाहे कुछ भी हो, टोटल फोर्स जो आने वाली है ना सरफेस पे वो सेम आने वाली है हमेशा। तो सेकेंड टर्म का इंटीग्रेशन हमारा हो गया 0 और फर्स्ट टर्म का इंटीग्रेशन हो गया है 1, जो मैं यहाँ पे दिखा चुका हूँ। अगर ऐसा है तो टोटल फोर्स आपकी आ जा रही है फोर्स इक्वल टू I into pi r square by c into 1 plus 0, यानी कि I pi r square by c, ये आपकी टोटल फोर्स आ जाएगी। यहाँ पे कि इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि दिस डज नॉट डिपेंड ऑन, दिस डज नॉट डिपेंड ऑन रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट, ठीक है, ये रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट पे डिपेंड नहीं करती है। और ये फोर्स की डायरेक्शन क्या है, क्योंकि आपने देखा मोमेंटम का जो चेंज था उसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स तो कैंसिल हो रहे थे, तो ये फोर्स है ये आपकी वर्टिकल डायरेक्शन में, तो अगर मैं कर्व्ड सरफेस के ऊपर देखूं तो फोर्स आपकी लग रही है डाउनवर्ड्स, ईएम वेव के ऊपर देखेंगे तो उसके ऊपर फोर्स लग रही होगी अपवर्ड, उसके ऊपर मोमेंटम जो है ऊपर की तरफ ट्रांसफर हो रहा है, तो ईएम वेव के ऊपर मोमेंटम ऊपर की तरफ ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन कर्व सरफेस के ऊपर फोर्स जो है डाउनवर्ड्स लग रही है, न्यूटन्स थर्ड लॉ। ये आपकी फोर्स आ जाएगी आई पाई आर स्क्वायर बाय सी। बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट है ये, क्योंकि इसमें देखिए फिर से मैं बोल रहा हूं आपका जो वैल्यू है ये रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट पे डिपेंड नहीं करती है, तो चाहे तुम्हारी सर्फेस कंप्लीटली एब्जॉर्बिंग हो या प्योरली रिफ्लेक्टिंग हो, कैसी भी सर्फेस हो, हमेशा ये आंसर सेम आएगा। अच्छा, आप ये आपने फोर्स निकाल लिया, तो अगर आप प्रेशर निकालना चाहें तो प्रेशर आप निकाल सकते हैं, अलग अलग एलिमेंट्स पे अलग अलग प्रेशर होगा, लेकिन अगर आप एक एवरेज प्रेशर निकालना चाहें, तो क्योंकि टोटल प्रेशर आपसे पूछा हुआ है, तो टोटल प्रेशर का ये मतलब नहीं होता है कि आप हर जगह पे प्रेशर को ऐड करते हैं, क्योंकि प्रेशर एक पॉइंट पे डिफाइन होता है। तो अगर आप प्रेशर की एक एवरेज वैल्यू निकालना चाहें तो एवरेज वैल्यू निकालना बहुत सिंपल है, बिकॉज एवरेज वैल्यू सिंपली होगी फोर्स डिवाइड बाय नॉर्मल एरिया, ठीक है ना, क्योंकि आपका प्रेशर के कारण फोर्स जो है वो नॉर्मल डायरेक्शन में लगता है। अब आप लोग जानते हैं कि अगर मैं एवरेज प्रेशर निकालना चाह रहा हूँ, मतलब मैं मान रहा हूँ कि हर जगह पे कांस्टेंट प्रेशर है, जब एक कांस्टेंट प्रेशर होता है ना कर्व्ड हेमिस्फीयर पे, मान लो मेरा एक कांस्टेंट प्रेशर है हर जगह पे पी, तो इस कांस्टेंट प्रेशर के कारण टोटल जो फोर्स आएगी और इसका रेडियस है कैपिटल आर, तो कांस्टेंट प्रेशर के कारण जो फोर्स आती है, फोर्स ड्यू टू कांस्टेंट प्रेशर, ये हम लोगों ने फ्लूइड्स में डिस्कस किया है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फोर्स ड्यू टू कांस्टेंट प्रेशर आपका आता है पी इंटू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि देखो हर जगह पे फोर्स की जो डायरेक्शन नॉर्मल डायरेक्शन में होगी, तो आपको कॉम्पोनेंट्स कंसिडर करने हैं। यहाँ पे मिस्टेक, ये थर्ड मिस्टेक मैं बता देता हूँ, थर्ड मिस्टेक ये है कि कांस्टेंट प्रेशर के कारण जब फोर्स बच्चे बताते हैं ना, तो कभी कभी मुझे वो बता देते हैं पी इंटू टू पाई आर स्क्वायर, सीधा कर्व्ड सरफेस के एरिया से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये गलत है, क्योंकि हर जगह पे फोर्स अलग अलग डायरेक्शन में है, तो आप सीधा फोर्सेस का मैग्नीट्यूड हर जगह पे ऐड नहीं कर सकते, आपको जो है डायरेक्शन को भी कंसिडर करना है। तो अगर आप डायरेक्शन को भी कंसिडर करेंगे तो रिजल्ट हमारा क्या आता है, आप ये जो प्रोजेक्शन है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन जो है इस एरिया का, उसको ले सकते हैं, क्योंकि सारी जो फोर्सेस हैं उनके एक्स कॉम्पोनेंट्स कैंसिल होंगे, केवल वाई डायरेक्शन में फोर्सेस आएंगी, यानी वर्टिकल डायरेक्शन में, और वर्टिकल डायरेक्शन में अगर आपको फोर्स लेनी है प्रेशर के कारण, तो सरफेस कैसी होनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल,
तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ हर जगह पे केवल वर्टिकल फोर्स अगर लेनी है तो वर्टिकल फोर्स कैसे ले सकते हैं, हर जगह पे किसी भी एलिमेंट का जो एरिया है उसका केवल हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन लो, तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन थ्रू आउट ले लोगे तो वो पाई आर स्क्वायर है। तो कांस्टेंट प्रेशर के कारण फोर्स आपका आता है पी इंटू पाई आर स्क्वायर। तो अगर तुम एवरेज प्रेशर यहाँ पे निकालना चाहो तो वो इजिली निकाल सकते हो, क्योंकि हम बोलेंगे एवरेज प्रेशर इंटू पाई आर स्क्वायर, ये आपका फोर्स होना चाहिए। और फोर्स की वैल्यू मैंने निकाली थी आई पाई आर स्क्वायर बाय सी, आई पाई आर स्क्वायर बाय सी, और ये देख सकते हैं पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो एवरेज प्रेशर के कारण जो आपकी फोर्स आ रही है वो आई बाय सी आ जानी चाहिए। ठीक है, तो आई थिंक ये थर्ड मिस्टेक ही था ना, इसी तो मैंने आपको, जी हाँ थर्ड मिस्टेक ही था। इसको करने का जो है ना, ये जो हमने पूरा कैलकुलेशन किया, एक्चुअली इसको करने का थोड़ा सा मतलब एक इजी तरीका भी हो सकता था, कुछ हम पूरा कैलकुलस अप्रोच करने की जगह थोड़ा सा यहाँ पे एक ट्रिक लगा सकते थे आंसर जल्दी लाने के लिए, लेकिन मैंने आपको कैलकुलस अप्रोच जानबूझ के दिखाया, क्योंकि ज्यादातर बच्चे जो है वो शॉर्टकट ट्रिक नहीं लगाएंगे, ज्यादातर बच्चे कैलकुलस के थ्रू ही जाएंगे, और कैलकुलस के थ्रू जाने में जो भी आप मिस्टेक्स करेंगे वो आपको पता होनी चाहिए। और अगर आप सोचना चाहते हैं कि वो शॉर्टकट ट्रिक क्या होगी, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को उसके बारे में एक्सप्लोर करना चाहिए कि शॉर्टकट से इसको कैसे डिराइव कर पाए। लेकिन देखो क्या क्या मिस्टेक्स मैंने हाईलाइट किए। मिस्टेक नंबर वन मैंने आपको हाईलाइट की थी कि सीधा आई बाय सी इंटू वन प्लस आर प्रेशर को मत लिख देना, क्योंकि ये आपका होता है ओनली फॉर नॉर्मल इंसिडेंस ऑन अ प्लेन सर्फेस, पहली मिस्टेक। दूसरी मिस्टेक मैंने हाईलाइट की थी कि डेल्टा पी यानी मोमेंटम आप अगर निकालना चाह रहे हैं इंटेंसिटी की इक्वेशन से, तो यहाँ पे जो एरिया मल्टीप्लाई होता है इंटेंसिटी की इक्वेशन में, ये एरिया जो है जिस डायरेक्शन में आपकी ईएम वेव ट्रेवल कर रही है उसके नॉर्मल होना चाहिए। ठीक है, कोई भी एरिया नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जो फर्स्ट वाली सर्फेस है उसका एरिया लेना चाहिए, सेकेंड वाले का डायरेक्टली नहीं ले सकते हो, नॉर्मल प्रोजेक्शन आपको लेना पड़ेगा। और फिर थर्ड मिस्टेक मैंने यहाँ पे हाईलाइट की कि अगर कांस्टेंट प्रेशर आप ले किसी हेमिस्फेरिकल सरफेस पे, कांस्टेंट प्रेशर अगर पी है तो हेमिस्फेरिकल कर्व्ड सरफेस पे कांस्टेंट प्रेशर के कारण अगर तुम फोर्स निकालना चाहते हो तो पी इंटू टू पाई आर स्क्वायर नहीं बोल सकते हो। टू पाई आर स्क्वायर उसका कर्व्ड सरफेस एरिया है, लेकिन हर जगह पे फोर्स जो है डिफरेंट डायरेक्शन में है, उनके एक्स कॉम्पोनेंट्स कैंसिल होंगे, फोर्स के केवल वर्टिकल कॉम्पोनेंट्स एड होंगे। तो अगर आपको फोर्स के वर्टिकल कॉम्पोनेंट्स लेने हैं, मतलब आपको हर जगह पे सरफेस का हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन लेना है, जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन टोटल अगर आप लेंगे सरफेस का तो पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, टोटल, तो यानी कि कांस्टेंट प्रेशर के कारण फोर्स होनी चाहिए पी इंटू पाई आर स्क्वायर। तो वही हमने यहाँ पे यूज किया है, एवरेज प्रेशर इंटू पाई आर स्क्वायर वो आपका हो गया फोर्स के इक्वल, फोर्स था आपका आई इंटू पाई आर स्क्वायर बाय सी, यानी एवरेज प्रेशर आपका यहाँ पे आ रहा है I divide by C, ये आपका आंसर आ रहा है। और अगेन इसमें इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट पे वैल्यू डिपेंड नहीं करती है, जो टोटल फोर्स और एवरेज प्रेशर आ रहा है दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ द रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, सरफेस का नेचर कैसा भी हो सेम आंसर आएगा।